गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आज के मेरे मिनी ब्लॉग में। तो मिनी ब्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 9 बजे से। ज्यादा लंबा। हेलो कहाँ से लाया है? गाइस, आज कौन लाया? और क्या क्या लाया? नाश्ते का टाइम भी हो गया है, तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं गूंथने लगी हूँ आटा, और आज के नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ ये मैक्रोनी, मैक्रोनी की सब्ज़ी। तो मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है, और इधर मैंने गोभी और प्याज काट के उसे भून रही हूँ फिलहाल। फिर इसके बाद बनाएंगे मैक्रोनी। नाश्ता बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे मिस्टर जी का डब्बा भी, टिफ़न भी मैंने आधा आधा पैक कर लिया है। बाकी इधर हमारा नाश्ता हो गया है तैयार, तो अब बाहर पे चलते हैं। सब लोग बाहर पे हैं, तो बाहर पे नाश्ता करते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं नहा गई हूँ, और मैंने अपने कपड़े और मायू मायू के पापा के कपड़े, दादी दादा के जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो दिए हैं। तो उनको अभी मैं धूप में डालने के लिए आ गई हूँ, वो भी सबसे ऊपर वाली छत पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा तेज़ धूप आती है, तो यहाँ पे जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। पर आज हवा भी बहुत तेज़ हो रही है, तो पता चल रहा है थोड़ी देर बाद कि सारे कपड़े तार से नीचे निकल गए, क्योंकि मैं क्लिप भी नहीं लाई ऊपर। कोई नहीं, फिलहाल अभी ऐसे ही डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आएंगे देखने के लिए कि सारे ऊपर ही अटक रखे या नीचे गिर गए। तो कपड़े वपड़े धूप में डाल दिए हैं मैंने, तो अब चलते हैं नीचे। थोड़ी देर बाद करेंगे लंच की तैयारी। और यहाँ पे आ रखा है आदि बॉस, इसे कहा कि मायू के साथ खेल कर, और ये अपने खेल पे लगा हुआ है। और दीदी यहाँ पे लगी हुई है बुनाई करने पे। बाकी अभी आ गए हैं यहाँ पे सिलेंडर वाले भैया, और हमारा ये वाला दरवाज़ा लॉक रहता है, तो मैं इसे खोलने के लिए आ गई थी। तो भैया अभी आ गए हैं सिलेंडर लेके। अभी मायू थोड़ा सा सो रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये इसकी स्वेटर की ये बुनाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये अभी भी रह ही रखा है, तो ये बदमाश देखो, इसको नहीं सूझा कि मम्मी काम कर रही है, तो ये उठ गई। तो यहाँ पे आ गया है अभी बिन्नू, इसे मैंने कहा थोड़ा सा इसके साथ खेल कर, तो ये खुद गुजिया खा रहा है, और उसे भी चिढ़ा रहा है कि ये देख मैं गुजिया खा रही हूँ। और फिर ये उसे देख के रो रही है कि तू खा रहा और मुझे नहीं दे रहा, फिर भी ये ज़बरदस्ती उसे चिढ़ाने पे लगा हुआ है कि मैं गुजिया खा रहा, मैं गुजिया खा रहा, तू नहीं खा रही करके। तो मायू उसे देख ही रह रही कि ये ऐसा भी क्या खा रहा है कि जो मुझे नहीं दे रहा है। तो अभी इधर लग गई नज़र। लंच का टाइम भी हो गया है, तो यहाँ पर मैंने दाल चावल दोनों चढ़ा दिए हैं। फिलहाल जब तक दाल और भात बन के तैयार होता है, तब तक मैं कर लेती हूँ घी बनाने का काम। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे पहुँच सकी है आरोही। और आजकल शाम के टाइम पे हमने मायू को बाहर पे लाया रहता है घूमने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मायू के दादा दादी कह रहे हैं पीली वाली सरसों को साफ, और आरोही लगी है मायू को उसकी गाड़ी में घुमाने के लिए ये। और मायू खुश हो जाती है जब आरोही आदि और बिन्नू उसके साथ रहते हैं, तो वो खूब मस्ती करती है उनके साथ। तो यहाँ पर आरोही रही थी कि हमारी सेल्फी में वीडियो बनाओ करके, कि हम कैसे आते हैं। आज का ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट लॉन्ग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।